क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें मैं तुमको कुछ आइटम बस समझा देता हूँ, फिर अपने से लगा लोगी तुम। क्रेडिटर इधर आ जाएगा सीआर में, हाँ कि ना? यस, क्रेडिटर इधर आ जाएगा। अब मिसेस प्रदीप लोन, ये वाइफ का लोन है, प्रदीप का लोन नहीं है, तो यहाँ आएगा। हमको किसका लोन अकाउंट बनाना होता है? पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना होता है, अदर आदमी का लोन अकाउंट नहीं बनाना होता, ठीक है ना? तो वो मिसेस प्रदीप का लोन यहाँ आएगा। अब राजेश लोन, अब राजेश देखो पार्टनर है, वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, उसका अलग से लोन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? तो वो अपन को यहाँ बनाना नहीं है, तो छोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखा है? हाँ। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बटेगा, यहां से कोई लेना देना नहीं है, नहीं रहते नहीं है। कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगी, यहां से कोई लेना देना नहीं है। यार राइट, बिल्डिंग आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, आएगा, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट इस तरफ आएगा, हाँ हाँ ठीक है। डेप्टर यहाँ आएगा। हाँ अब मेरी बात समझ रहे, मैं तुमको समझाना क्या चाहता हूँ। हम डेप्टर तो यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ठीक है? और उसका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल है ना, हाँ उसको यहां लिखेंगे, क्योंकि वो माइनस हो रहा है तो अपोजिट साइड में लिखा जाएगा। ये नया है इसमें, और इसको ध्यान रखना। मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने सिखाया है कि जो यहाँ लिखते हैं उसको अपन यहाँ बेचते हैं, और जो यहाँ लिखते हैं उसको यहाँ बेचते हैं, सिखाया है ना? हाँ लेकिन प्रोविजन नहीं बेचेंगे, ठीक है, प्रोविजन केवल यहाँ लिख के छोड़ नहीं देंगे उसको, ठीक है। हाँ ठीक है? याद रहेगा, याद रहेगा। चाहे नोट करना हो तो नोट कर लो। मैं यहाँ पे स्टेप में लिख देता हूँ, मैंने ठीक लिख दिया, प्रोविजन इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड एंड नॉट सोल्ड इन डीआर साइड, ठीक है? चलो अब बाकी आइटम और कुछ नहीं है, डिप्रिसिएबल बैंक लोन, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल में बटेगा, और गुडविल यहां लिखेंगे, है ना? गुडविल नहीं बांटते, है ना? अगर नीचे गुडविल नहीं बिकी होगी, नीचे जो 5-6 पॉइंट लिखे हैं, अगर नहीं लिखी होगी तो गुडविल यहाँ जीरो हो जाएगी, है ना? और अगर लिखी होगी तो फिर वो हो जाएगा। जितनी लिखी है उतना लिख देंगे ठीक है ठीक भाई। मान लो गुडविल 4,000 है, 3,000 में बिक गई तो 3,000 लिख देना, ऑलराइट। ठीक है? अब ये हाँ 19 वाला सॉल्व करना, ऐसे 20 वाला सॉल्व कर, क्योंकि तो दोनों में केवल रियलाइजेशन बनाना है। ओके अब मैं आपको बता रहा हूं 21, जिसमें रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश तीनों कंप्लीट क्वेश्चन है ये, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हम क्या बनाने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है ना? यानी कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये बन गया रियलाइजेशन। अब कैपिटल का प्रोफार्मा ले आऊं मैं, कौन बनाएगा प्रोफार्मा? ये आ गया तुम्हारा कैपिटल अकाउंट का प्रोफार्मा, पूरा डिलीट। ये
नो कलर कर दिया, और एक बनाना है कैश अकाउंट, ठीक है ना, ये हो गया कैश अकाउंट, चलेगा। ठीक है, हेलो, कहाँ गए बेटा? वॉइस यस आ रही है? कहाँ हाँ आ रही है, मेरा चली गई? म्यूट पे चला गया सबसे। अच्छा, तुम म्यूट में चली गई थी। चलो अब मेरे क्वेश्चन नंबर है ना, थोड़ा सा आसान है, ट्वेंटी थ्री वाला चलाते हैं, ठीक है ना, ठीक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो तो मजा भी आएगा। चलो 23 में क्या लिखा, बाला है याला और इक्वल पार्टनर, दो ही कॉलम है, तो या अपन मान लेते हैं कि एक कॉलम है ही नहीं, ठीक है ना, छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं होता है। वो तो रहा यार, दो पार्टनर है ना, या बाला याला, याले मतलब याले याले है, नाम बदल दिया इसने। चलो इनका रेशियो क्या था, इक्वल यानी 1:1, ठीक वन है। अब कैपिटल कैपिटल ओके अकाउंट में जाएगी, हाँ बाय बैलेंस बीडी, कितने कितने कैपिटल है, 50,000 और 40,000। 40,000 अब क्या लिखा है, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कितना है, 8,000 है, 4,000 बांट दो, ठीक लोन बाय बाले, लोन बाय है बाले, बाले का लोन है ना, हाँ तो अलग अकाउंट बनेगा, यस तो भैया अपन ने तो बनाया नहीं कॉलम, तो बना लेते हैं, बाले लोन अकाउंट, अपोजिट साइड इधर होता है ना, बाय बैलेंस बीडी, कितने का लोन है, 3,000 3,000, ठीक है ना, जाएगा उल्टा सर, अभी ये ध्यान रखना। हाँ क्रेडिटर, अब देखो क्रेडिटर यहां जाएगा, चौदह हजार, ठीक है, इधर ओके के आइटम खत्म हो गए। अब देखो इसको याद रखने का तरीका मालूम है क्या बेटा, इसको याद रखने का तरीका ये है कि जिसका भी घर होगा वो अपने घर में जाएगा, जैसे कैपिटल का घर है, लोन का घर है, कैश का घर है, तो जिसका घर है वो अपने घर में जाएगा, और जिसका घर नहीं होता वो कहाँ रहता है, तो जिसका घर नहीं होता वो रहता है अनाथालय में, जहां है पर ना, अनाथालय कौन है? तो भैया जिसका कोई घर नहीं उसका अनाथालय ये है। ओके अब ये बोलोगी तो रिजर्व का तो घर नहीं है, तो लेकिन रिजर्व के रिश्तेदार का घर है ना कैपिटल, तो ठीक कहते है रिजर्व नेक्स्ट का और प्रॉफिट एंड लॉस का रिश्तेदार कौन है, कैपिटल, तो वो अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं, और जिनका रिश्तेदारों नहीं है वो अनाथालय में आएंगे, ठीक है। आ जाओ बिल्डिंग, बिल्डिंग का घर नहीं है ना, भाई बिल्डिंग का कोई अकाउंट बना नहीं रहे, यानी बिल्डिंग का घर नहीं है तो अनाथालय में आ गई, मशीनरी का भी घर नहीं है, कितने की है, 15,000, और कौन है,
फर्नीचर का भी घर नहीं है, 12,000। और कौन है? कैप्टन। उसका भी घर नहीं है, वो भी यहां आ गया। स्टॉक और कौन है? स्टॉक। और बैंक। स्टॉक का भी घर नहीं है। हाँ, बैंक का घर है ना, हाँ तो बैंक अपने घर में चला जाएगा। टू बैलेंस ईडी के नाम से कितने का है? 11,000। चलेगा? चलेगा। अब आगे बढ़ो, इसके बाद अपन बेचना चालू करते हैं ना। हाँ पीछे चलो, ये आ गए। द एसेट्स वेयर रियलाइज्ड, वेयर एसेट्स ऐसे बिकी, यहां लिखेंगे बाई बैंक। कौन कितने में बिका? स्टॉक स्टॉक 22,000। डेटर 7,00,000 में बिका? 7 लाख सॉरी 750। 7,500। मशीनरी 16,000। 16,000। और बिल्डिंग 35,000। 35। तो बिल्डिंग बिक गई, मशीनरी बिक गई, फर्नीचर नहीं बिका अभी, डेप्टर बिक गया, स्टॉक बिक गया, फर्नीचर बचा है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा? याले टुक ओवर द फर्नीचर, बाय याले कैपिटल अकाउंट, और उसने क्या ले लिया? फर्नीचर। कितने में ले लिया? 9,000। अब पूरी एसेट्स बिक गई ना। हाँ अब आगे पढ़ो। वाले एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 रुपए इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। बाले ने बोला मेरे लोन का कितना दे दो, 25,000। तो याले का लोन अकाउंट अलग से बनाया था ना बाले हाँ का, तो बाले को कितना पैसा मांग रहा है? बाले 25,000। 2,500। करेक्ट? हाँ तो देखो ध्यान से, बाले बोल रहा है मेरे को 2,500 रुपए दे दो, तो जब ऐसा हो ना, तो ठीक उसका पेमेंट यहां हो रहा हो, है। हाँ तो हम चाहें अगर तो वेट मिनट यहां पेमेंट करेंगे, और जो हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है? 500 का हो रहा है ना भाई। हमको देना कितना था? 3,000, और देना कितना पड़ा? 500। तभी ना दोनों तक का टोटल बराबर आएगा। तो हाँ ये जो 500 इधर तुमने लिखा है टू साइड में, इसको रियलाइजेशन में यहां लिख दोगी बाय वाले लोन अकाउंट 500। समझ में आया कि नहीं? क्या अभी नीचे इसमें लिखा डिसीजन एक्सपेंसेस वेयर 2,500। अभी रुक जाओ, पहले ये बाले वाला समझ में आया कि नहीं, लोन वाला। हाँ आ गया। तो अब यहाँ पे तुमने एक्सपेंस कितना पे किया है? 2,500 रुपए। टू बैंक अकाउंट रिजोल्यूशन एक्सपेंस 2,500। एक्सपेंस डीआर में तो लिखते हैं, लिख दिया। अब हाँ ध्यान से सुनो, क्या नहीं बिका अभी बताओ इसमें से। क्रिएटर्स हाँ, जब कुछ नहीं बिकता तो हम क्या करते हैं? तो उसी अमाउंट फुल वैल्यू में लिख देते हैं ना, में। हाँ बेच दिया फुल वैल्यू में, ठीक है। अब हाँ ये बताओ, ये पूरे आइटम ट्रांसफर हो गए उल्टे तरफ, यस बंद करना शुरू करो ध्यान से। इसका टोटल कितना आएगा? 16,500। इसका टोटल कितना आ रहा है? चलो करते हैं, 22,000 प्लस 7,500
प्लस 16,000 प्लस 35,000, टोटल आया 80,500, 80,500, इसका टोटल आया 9,000। ठीक है, अब दोनों तरफ का टोटल कर ले। यस, तो पहले डीआर का टोटल करते हैं, तो 45,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 24,000 प्लस 16,500, टोटल हुआ 1,20,500। मैं लिख लेता हूँ डीआर 1,20,500, सीआर का टोटल कर लेते हैं। सीआर का टोटल है कितना, 14,000 प्लस 80,500 प्लस 9, टोटल करना था दोनों तरफ का, इस तरफ का टोटल आ रहा है 1,03,500। ठीक है, 1,03,500, 1,03,500, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,20,500, 17,000। आंसर कितना आ रहा है, रिवैल्यूएशन का आंसर चेक करो, 16,500 आ रहा है। टोटल चेक करें क्या फिर से, 45,000 प्लस 1,00,000 सॉरी 15,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 24,000 प्लस 12,214,500, 1,20,500। ठीक है, इधर का एक बार टोटल चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, 22,000 प्लस 7,500 प्लस 35,000 प्लस 6,500, ठीक है 9,000, ये भी 500 ठीक है, 6,500 प्लस 14,000 प्लस 9,000 प्लस 500। अरे यार यही तो गलती हुई है, टोटल 500 जोड़ ही नहीं पाए थे उस समय, लाइट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, 1,04,000 है टोटल, उस समय टोटल में लाइट नहीं चली गई थी बीच में, उसी समय टोटल 500 ही नहीं जुड़ा था, माइनस 1,20,500 आंसर आ रहा है 16,500। ठीक है, अब बताओ जी मैं ज्यादा किस साइड में है, इधर ज्यादा है ना 1,20,500, 1,20,500 यहाँ लिखेंगे और आप यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,500, ये 16,500 दो लोगों में बढ़ जाएगा, वाले और याले, वाले और याले का रेशियो क्या है, इक्वल पार्टनर है ना, यस, 16,500 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, 1/2 में बढ़ जाएगा, 1/2 बताओगे 16,500 को 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, आठ हजार दो सौ पचास एक को मिल गया, 8,150 दूसरे को मिल, यहां तक पल्ले पड़ा, हाँ पड़ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तुमने यहाँ के सारे आइटम को उल्टे साइड में ट्रांसफर किया था, यस, अब इसके नीचे के सारे आइटम को उल्टे साइड में ट्रांसफर करो, जिसका नाम लिखा है उसके अकाउंट में डाल दो, इधर जैसे ये लिखा है बैंक लिखा है ना, हाँ टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में ले जाओ इसको, बैंक अकाउंट ये ना, हाँ क्या लिख देंगे, कहां से आ रहा है, बाय रियलाइजेशन 16,500, बहुत समझ में आई, हाँ ऐसे इधर ये बैंक इधर लिखा है, लिखा है ना बैंक अकाउंट, यस, अब इसको बैंक अकाउंट के डीआर साइड में ले जाओ, 80,500 चला गया, अब इधर और क्या लिखा है, याले का कैपिटल अकाउंट लिखा है, यस,
ये दोनों बैंक उल्टे तरफ चले गए। योर वॉइस इज नॉट कमिंग, वॉइस बंद है तुम्हारा अभी। नहीं मेरा तो ऑन है, यहां दिखा नहीं रहा। चलो ध्यान दो, ये दोनों ट्रांसफर हो गए, समझ में आ गया? अभी इस अभी लोडिंग हो रही है। ये दोनों ट्रांसफर हो गए? यस सर ट्रांसफर हो गए। अब ये याले का कैपिटल अकाउंट है तो याले के अकाउंट में ले जाओ। हाँ ठीक है। टू रियलाइजेशन अकाउंट याले के अकाउंट में 9,000 चला गया। अच्छा ये बी वाले का लोन अकाउंट में 500 रुपए, देखो पहले से डाला हुआ, तुमने वहीं से तो लाई थी इसको। हाँ ठीक सही राइट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में जाता है ना, इतना समझ में आया? हाँ आ गया। अब एक अकाउंट रियलाइजेशन का काम खत्म हो गया, ठीक है ना? हाँ अब कैपिटल को बंद करो। कैपिटल में क्या करते हैं, दोनों तरफ का टोटल करके बैलेंस निकालते थे। यस बाय बैलेंस बीडी 54,000, टू इसका बैलेंस 44,000 टोटल है। यहाँ 54,000 टोटल लिख दिया, यहाँ 44,000 टोटल लिख दिया, और यहाँ तुम लिखती थी क्या? टू बैलेंस बीडी ईडी। सीडी। अब तुम ये नहीं लिखो क्योंकि अब बैलेंस बचे गए नहीं, क्योंकि दुकान ही खत्म हो। ओके अब यहां आएगा बैंक, हम उसको पैसा देके हिसाब खत्म करें। बात समझ में आई? हाँ 54,000 में 8,250 माइनस किया तो 45,750 आ गया। ऐसे ही हमने 44,000 टोटल में 9,000 रुपए ये माइनस किए, टोटल करके माइनस कर देंगे तो 26,750 इसका आ गया। समझ में आया कि नहीं? हाँ आ गया। अब ये बैंक लिखा है ना, हाँ इसको बैंक अकाउंट में ले जाओ। तो बैंक अकाउंट में लेके आएंगे ये नीचे तो बैंक अकाउंट में अपोजिट साइड में जाएगा, तो बाई वाले बैंक कैपिटल अकाउंट और बाय याले कैपिटल। गार्लिक कैपिटल वाले का कैपिटल कितना है? 45,750, और याले का आ रहा है 26,750। करेक्ट। ये कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया, ट्रांसफर हो गया। खत्म हो गया। यस खूब उल्टा उल्टा घूमेगा, ध्यान रखना, दिमाग खराब होगा, आराम से करना इस बार। कैश अकाउंट खत्म, सॉरी कैपिटल अकाउंट। ना लोन अकाउंट। अब लोन में आ जाओ, तो लोन में बैंक यहां लिखा है ना, तो यहां आ जाएगा बाय वाले लोन अकाउंट, हो गया 500। अब इन दोनों तरफ का टोटल करोगी वो इक्वल आएगा 11,000 प्लस 80,500 यानी 91,500। इधर का आया, इधर का भी इतना ही आएगा, चेक कर 91,500। बस समझ में आई? यस दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन।